मुंबई में बहुत बड़ा टॉर्नेडो आने वाला था और सभी के फोन में उसका अलर्ट मैसेज भी आ चुका था। मीता को ये बात पता चल चुकी थी, पर फिर भी उसे बहुत जरूरी सामान बाजार से लेना था, तो वो घर के बाहर गई, गाड़ी में बैठी और आगे बाजार के लिए चल दी। बाजार में उसने कुछ सामान खरीदा, इतने में वहाँ पे बड़ा सा टॉर्नेडो आ गया। मीता तो अब सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसे वहाँ पास में तीन ऑप्शन दिख रहे थे, पहले कि वो अपनी गाड़ी में बैठ जाए और टॉर्नेडो का खत्म होने का वेट करें। दूसरा ऑप्शन, वहीं पास में एक खड्डा था जिसके अंदर मीता जा सकती थी और उस टॉर्नेडो खत्म होने का वेट कर सकती थी। तीसरा ऑप्शन, वहाँ पास में एक पेड़ भी था, मीता उसके ऊपर चढ़ सकती है और टॉर्नेडो खत्म होने का वेट कर सकती है। अब मीता के पास कुछ ही सेकेंड्स हैं, उसे डिसाइड करना है कि आखिर उसके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी सोचकर बता सकते हैं कि आखिर मीता को क्या करना चाहिए ताकि वो उस टॉर्नेडो से बच जाए। एक बार अच्छे से सोचिए और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। टॉर्नेडो से बचने के लिए अगर मीता गाड़ी वाला ऑप्शन चुनती तो वो गाड़ी तेज टॉर्नेडो के साथ ही उड़ सकती थी। सेम ही चीज होता अगर वो थर्ड वाला ऑप्शन यानी पेड़ पे चढ़ने वाला ऑप्शन लेती, क्योंकि पेड़ भी टूट के टॉर्नेडो के साथ जा सकता है। तो ऑप्शन बचता है ये सेकेंड वाला, मीता को खड्डे में छुप जाना चाहिए क्योंकि खड्डे के अंदर टॉर्नेडो आ ही नहीं सकता और उसे कुछ भी नहीं होगा और वो सेफ रहेगी। क्या आपने भी सही आंसर गेस कर लिया था? तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आपको इमोजीज देखकर उसका नाम गेस करना है। दोस्तों, इन इमोजीज को देखकर आपको मिठाई का नाम गेस करना है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी मिठाई है? आंसर मिलते ही अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है पेड़ा, पेड़ प्लस आ तो बन जाएगा पेड़ा। चलिए अगली इमेज सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आपको इस इमेज में 5 मिस्टेक ढूंढना है। क्या आप इस इमेज में मिस्टेक ढूंढ सकते हैं? मिस्टेक मिलते ही आप अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगली पहेली सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, ये पिक्चर में कई सारे ट्रायंगल्स मिलकर बनाए हैं। आपको बताना है कि इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं? ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है पूरे 20 ट्रायंगल्स जिसकी पिक्चर हमने यहाँ पे लगा दी है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, इन सब शैडोज में कोई एक शैडो इस रंगीन पिक्चर से मैच होती है। क्या आप बता सकते हैं वो शैडो कौन सी है? आंसर मिलते ही आप अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका सही शैडो है ये 4th नंबर वाला। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे कौन सी चीज है जिसे हम काटते भी हैं, पीसते भी हैं और बांटते भी हैं, लेकिन खाते नहीं हैं? जल्दी से इसका आंसर हमें नीचे कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर है ताश के पत्ते। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं।
अभी आपको कुछ पॉपुलर कंपनीज के लोगों से दिखाऊंगा और उन्हें देख के आपको बताना है कि इन में से कौन सा लोगो सही है। तो अभी इन चार लोगों को अच्छे से देखिए और बताइए कि एप्पल का कौन सा लोगो सही है। जल्दी से देखिए, सोचिए और अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इन में से ये फोर्थ वाला लोगो एप्पल का सही है। तो चलिए अगली इमोजीज देखते हैं। तो चलिए अभी इन चारों में से गूगल का सही लोगो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। जल्दी से देखिए और आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। इस वाले में आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि गूगल डेली यूज तो करते हैं पर लोगो अच्छे से नहीं देखते। गूगल का सही लोगो ये फर्स्ट वाला है। क्या आपने भी गेस कर लिया था? तो चलिए आज की आखिरी पहेली सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए। इनमें से ये फर्स्ट वाला आदमी पानी में डूब रहा है और मदद मांग रहा है और ये सेकेंड वाली लड़की यहाँ दलदल में फंस चुकी है और अंदर डस रही है और वो भी मदद मांग रही है। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से आखिर कौन है वो जो बच सकता है और कौन मर सकता है? एक बार इन्हें अच्छे से देखिए, सोचिए और आंसर मुझे नीचे कमेंट करें। इनमें से ये पहला वाला आदमी पानी में डूब रहा है पर इसके पास वाटर ट्यूब भी है। अगर ये जल्दी जल्दी तैरेगा तो किनारे पे आ सकता है, बट ये लड़की तो दलदल में फंस चुकी है जिसमें से बच के निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आप जितना हिलते हो उतना ही अंदर चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये लड़की के बच पाने के चांसेस ज्यादा है। और हमारी इस मजेदार वीडियोस को यहाँ क्लिक करके देखें, आपको ये पहेली सॉल्व करके बहुत मजा आएगा। और यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिया है, यहाँ से आप हमारे चैनल को डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।